नमस्कार जोहार आदाब, क्लीन न्यूज संथाल परगना में आपका स्वागत है। हुड्डा से आजादी से लेकर 21वीं सदी तक कांग्रेस ने संवारा देश को। आजादी से लेकर 21वीं सदी में भारत को संवारने में कांग्रेस पार्टी ने अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाने के लिए कागज कम पड़ जाएंगे, उक्त बातें गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कही। वे सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस भवन में पार्टी के 136वां स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। वही कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शाह पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा। कहा कि किसान आंदोलन जो वर्तमान समय में पूरे देश में चल रहा है। पोड़ियाहाट पशु तस्करी मामले में 8 तस्करों पर प्राथमिकी। खबर गोड्डा के पोड़ियाहाट से है। गोड्डा से सटा बिहार का बांका जिला इन दिनों पशु तस्करों का अड्डा बनता जा रहा है। यहां से ट्रकों व छोटे छोटे वाहनों से पशुधन को बिहार, झारखंड और बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजा जाता है। पशु तस्करी के लिए अंतर्राज्यीय तस्कर जिला की सीमा का इस्तेमाल करते हैं। पशु तस्करों का नेटवर्क गोड्डा जिला में भी फैला हुआ है। बीते शुक्रवार को रात को पोड़ियाहाट के कमराडोल गांव के पास पुलिस ने गोवंशीय पशुधन लदा एक ट्रक को जब्त किया। इस मामले में पोड़ियाहाट थाना की पुलिस ने पड़ताल पर 8 पशु तस्करों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। सैलानियों को लुभा रहा है पोड़ियाहाट का गुरुमेश्वर धाम। नए साल के आगमन में अब कुछ ही दिन शेष है, ऐसे में लोग पिकनिक स्पॉट का चयन को लेकर अभी से ही कार्यक्रम तय कर रहे हैं। पोड़ियाहाट प्रखंड में ऐसे कई पिकनिक स्पॉट है जो प्राकृतिक रूप से काफी आकर्षक है। ऐसे तो लोग सालों भर इन स्थानों पर पहुंचते रहते हैं, लेकिन नए साल के आगमन को लेकर 1 जनवरी को यहाँ काफी भीड़ लगी रहती है। दूर दूर से लोग इन स्थानों पर पहुंचकर मित्रों व परिवार के साथ नए साल की खुशियां मनाते हैं। खबर अब दुमका से। इनामी जोनल कमांडर पति पत्नी समेत 6 नक्सलियों को गिरिडीह पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुमका से भी मिले कई हथियार। झारखंड के गिरिडीह में जिला बल और सीआरपीएफ की संयुक्त छापेमारी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इनामी नक्सली पति पत्नी समेत 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 नक्सलियों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम था। वहीं वर्ष 2013 में पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार एवं उनके बॉडीगार्ड की एम्बुश पर हत्या करने के आरोपी नक्सली सुधीर उर्फ सुलेमान किस्कू पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इस दौरान पुलिस ने जहां गिरिडीह से AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद किए हैं, वहीं दुमका से इंसाफ राइफल समेत SLR और कई हथियार बरामद हुए हैं। झारखंड पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मान रही है। प्रो मनीष का कहना है, देश की सबसे पुरानी व विश्वसनीय पार्टी है कांग्रेस। जिला कांग्रेस भवन दुमका में सोमवार को पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। जिला महासचिव प्रो मनोज अम्बस ने झंडा फहराकर इसकी शुरुआत की। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान गाकर कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया। प्रो मनोज अम्बस ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी व विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है। कहा कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने कई कुर्बानियां दी है। कांग्रेस की अगुवाई में देश की न सिर्फ प्रजातंत्र की बुनियाद मजबूत हुई है, बल्कि भारत की हनक पूरे विश्व में पटल पर कायम रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दुमका जिला संयोजक आदित्य राउत ने की आत्महत्या। दुमका जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के महुआ डंगाल इलाके में सोमवार सुबह आदित्य रावत नामक एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक आदित्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुमका जिला संयोजक था। सोमवार सुबह वह अपने कमरे में पाया गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मुफसिल थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह ने बताया कि युवक का कमरे में पाया गया है। इस मामले में छानबीन की जा रही है। छानबीन के बाद ही कारणों का पता चल पाएगा। खबर देवघर से। संघ ने बंद के निर्णय को लिया वापस। यूजर चार्ज लिए जाने के विरोध में मंगलवार को बुलाए गए बंद के निर्णय को वापस ले लिया गया है। सोमवार को नगर प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल के साथ विभिन्न संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में विचार विमर्श के बनी सहमति के उपरांत बंदी को वापस लेने का निर्णय लिया गया। इससे पहले नगर निगम कार्यालय भवन के सभागार में यूजर्स चार्ज व ट्रेड लाइसेंस को लेकर जुर्माने की राशि लिए जाने को लेकर बैठक हुई। बिंदुसार लगातार सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सभी संघ के प्रतिनिधियों ने एक स्वर पर यूजर्स चार्ज वसूले जाने पर रोक लगाने की मांग की। कोरोना त्रासदी से मुक्ति के लिए 50 वर्षीय महिला ने शुरू की देवघर तक दंडी यात्रा।
कोरोना महामारी जैसी त्रासदी से देश व दुनिया को बचाने के लिए दवा की खोज के साथ साथ ऊपर वाले से दुआ भी की जा रही है। परिवार समेत समाज में आई आपदा से मुक्ति के लिए धनबाद की 50 वर्षीय महिला सुमित्रा देवी ने सुल्तानगंज गंगा तट से देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर तक दंडी यात्रा का संकल्प लिया है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने उत्साह ने लगाई छलांग। जिला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी का 136वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। देवघर में सबसे पहले झंडोत्तोलन किया गया, इसके बाद टावर चौक से पार्टी कार्यालय तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। पार्टी निदेशक पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को सम्मानित किया गया। जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय ने कहा कि कांग्रेस का मूल सिद्धांत धर्म निरपेक्षता, आर्थिक समाजवाद और गुट निरपेक्ष विदेश नीति पर आधारित है। अब जामताड़ा से राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए स्टेट टीम में जगह बनाने रांची रवाना हुए जामताड़ा के चार पहलवान। 65वीं फ्री स्टाइल व ग्रीको रोमन राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम के चयन प्रतियोगिता शिविर का आयोजन किया गया है। झारखंड राज्य कुश्ती संघ के तत्वावधान में सोमवार व मंगलवार को रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र में चयन शिविर का आयोजन किया गया। इस चयन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लिए जामताड़ा से भी टीम रवाना हुई है। देश के हर वर्ग भाजपा की सरकार से त्रस्त। जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया। बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी व जिला अध्यक्ष मुक्ता मंडल ने सभी कांग्रेसियों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इसका इतिहास देश के इतिहास से जुड़ा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी आगे बढ़ रही है। किसान मेले में मिलेगा कृषि उपकरण व बीज। राज्य के महागठबंधन सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर आज शहर के गांधी मैदान में प्रथम वर्षगांठ मनाया जाएगा। सोमवार को उपायुक्त फैज अक अहमद व अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सुबह समय से पूर्व मेला परिसर में 100% विभागों का स्टॉल सज धज कर तैयार हो जाना चाहिए। मेला अवधि में कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश तथा निकास द्वार की अलग अलग व्यवस्था करें। प्रवेश द्वार पर कड़ी निगरानी रहेगी। बगैर मुंह में मास्क लगाए थर्मल पावर की स्क्रीनिंग के बिना अंदर किसी को प्रवेश की अनुमति न मिले। पर पाकुड़ से योजनाओं का लाभ उठाएं, वैज्ञानिक तरीके से करें खेती। केंद्र व राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। किसान इन योजनाओं का लाभ उठाएं, वैज्ञानिक तरीके से खेती कर आय बढ़ाएं। यह बातें सोमवार को संयुक्त कृषि कार्यालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय रबी फसल कर्मशाला में जिला कृषि पदाधिकारी मुनेन्द्र दास ने कही। कर्मशाला में किसानों को खेती करने का नया तरीका बताया गया। देशवासियों के लिए कांग्रेस ने किया था अंग्रेजों का दमन। कांग्रेस पार्टी की स्थापना आजादी से पहले 1885 में हुई थी। उस समय देश विकट स्थिति से गुजर रही थी। अंग्रेजों के शासन काल से देशवासी खुश नहीं थे। देशवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों का दमन किया था। यह बातें तिरंगा यात्रा के दौरान सोमवार को गांधी मैदान के पास सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री विधायक आलमगीर आलम ने कही। खबर साहिबगंज से है। स्थापना दिवस पर वरिष्ठ कांग्रेसियों को मिला सम्मान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर बंगाली टोला स्थित पार्टी कार्यालय जिला अध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह विवेकानंद चौक होते हुए गांधी चौक पहुंची और पुनः वहां से स्टेशन चौक ग्रीन होटल कॉलेज रोड होते हुए होटल अभिनव श्री में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान रास्ते में स्थित सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।